आज मुझे स्कूल नहीं जाने, मैंने एक भी होमवर्क नहीं किया। मिस्टर प्रेटर फिर से मुझे पनिशमेंट देंगे, मुझे पता है। और कल रात को मैंने सुना है मम्मी डैडी आज नानी को देखने जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसा करिए जिससे मम्मी मुझे स्कूल भी ना भेजे और मैं घर पे भी रहूँ और मैं पूरे दिन कार्टून से देखूँ। यार जल्दी ब्रेकफास्ट करने आओ, स्कूल भी तो जानी है। हाँ मम्मी। क्या करूँ क्या करूं? हनी ये देखो न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, गवर्नमेंट का कहना है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से हर बच्चे को आज एक चॉइस बनाना होगा, वो भी मिडनाइट होने से पहले। नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। क्या ये कैसी बात हुई, गवर्नमेंट आप हमारे बच्चे के पीछे क्यों पड़ गए? मुझे ना इतना गुस्सा आता है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, हर समय कोई ना कोई नई मुसीबत हमारे सामने खड़ी कर देते हैं। अच्छा डियर, सुना ना तुम्हारी डैडी ने क्या बोला, मिडनाइट से पहले एक चॉइस बना लेना। ओके मम्मी आई विल। आइडिया, मैं तबीयत खराब होने के बहाना बनाती हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ डियर, तुम ठीक तो हो? बिल्कुल भी नहीं, लगता है आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हाँ यस। रुको डियर, क्या क्लिक कर रही हो तुम? डोंट गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि मुझे वैसे भी स्कूल नहीं जाना था। ओह, तो अब तुम्हारी पेट दर्द भाग गई? वो मम्मी नहीं नहीं, एक्टिंग बढ़िया था पर कोई फायदा नहीं। सुनिए स्कूटी निकालिए। अरे छोड़ो ना, इससे हमारी बेटी सुरक्षित भी हो जाएगी। आप भूल गए पिछली बार अटेंडेंस कम होने की वजह से उसे कितने कम मार्क्स मिले थे, और वैसे भी अभी भी वक्त है, वो कुछ भी अच्छा चूज कर सकती है, पर स्कूल का भाई हर किस नहीं। चलो जाओ, रेडी हो गया। वेरी गुड डियर। अब बहुत बुरी हो मम्मी, बेटर ऑप्शन क्लिक करो। कर दिया है, फैशन कर रही हो। सुनो डियर, अगर ऑप्शन में कार देखा तो वही क्लिक करना, फिर तुम्हें रोज रोज स्कूटी से नहीं जाना पड़ेगा। हाँ मैं कार से जू में भी घूमने जा सकती हूँ। चलो। क्या हुआ डियर? वो ये स्कूटी 10 साल पुराना है ना, इसलिए कभी कभी खराब हो जाता है। फिर भी मैं क्या करूं? वेट करो। नहीं डैडी, अब समझ नहीं रहे हो, एक तो मैंने होमवर्क नहीं किया और ऊपर से लेट पहुँचे तो प्रिंसिपल से जिंदा नहीं रखेंगे। यस टैक्सी, यही तो चाहिए था। नहीं अगर बाद में इससे भी कोई अच्छी चीज मिली तो। डैडी मैं दौड़ के चले जाऊंगी। नहीं रुको। ओहो जाने मन, कहाँ भाग रही हो, हमें भी तो थोड़ा मौका दो ताकि हम लड़की भी तुम्हारे पीछे भागे। तुम लोग गंदे हो। चलो एक सेक्सी ड्रेस पहन के पार्टी। अरे चुप रुक, जानो जरा संभाल के, कहीं हमारे प्यार में गिर ना जाओ। ये गंदे लोग तो अभी मेरे पीछे कर रहे हैं, क्या करूँ मैं, कैसे बचूँ इन लोगों से। शर्म नहीं आती एक बहन जैसी लड़की को ताने में? छी छी छी, तुम लोगों के वजह से ना आज लड़कियां रास्तों पर अनसेफ फील करती है। तुम लोगों की मम्मियों को ना पैदा होने के वक्त ही तुम लोगों का गला दबा के मार देना चाहिए था। चल जिया। हो ना दीदी। गाइस क्या मैं लेट हूँ? यस बट मिस्टर ब्रिटन सर अभी भी स्कूल नहीं आए। थैंक गॉड, पर होमवर्क तो फिर भी करना होगा। वाह यही सही है। नहीं एक बार वेट करके देखती हूँ, क्या पता नेक्स्ट कार आ जाए, फिर मम्मी डैडी हमेशा मुझे प्यार करेंगे। जिया क्या तूने कोई चॉइस बनाया? नो नॉट येट। मैंने तो कर लिया ऑलरेडी। क्या? बार्बी हाउस। ओह प्रीति, अटेंशन क्लास, आज से तुम सबको इंग्लिश या न्यू टीचर मिस्टर रोमैक्स पढ़ाएंगे। मतलब ब्रिटेन सर? उनका रिटायर हो गया। थैंक यू सो मच गॉड, अब से होमवर्क की और पनिशमेंट की और टेंशन नहीं रही, क्योंकि देख के लग रही है ये टीचर उतना भी गुस्सा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना अपना नाम बताओ। सर आई एम हिसोतु। सर आई एम मिमोसा। सर आई एम जैक। आई एम रिया। मैं सुहाना। मैं फेलिक्स। और मैं जिया। ओह ब्यूटीफुल नेम, बाय द वे तुम्हारी घर कहाँ है? मेरी या यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, पैरी हाउस। ओह तो ब्रिटन सर की लास्ट होमवर्क दिखाओ। मतलब अब तो न्यू है फिर? क्यों तुमने नहीं किया? वो मैं ओके फाइन, नहीं किया तुमने? सो रियली लव यू सर। आई लव यू टू। अटेंशन स्टूडेंट्स, आज हम एक पिकनिक में जाएंगे, तो सभी 50 रुपीज के अंदर स्नैक्स ले आना। क्या प्रिंसिपल से 50 रुपीज में क्या आता जो है? आता है वो लेके आना, पर अगर उससे ज्यादा कुछ खरीदा तो वो मैं ले लूंगा। सर अगर मैंने 10 रुपए की लेके दिखाया तो? 10 रुपए से ज्यादा भी चलेगा? अगर 1 रुपए की लेके दिखाया तो? मिला तो ठीक है पर मेरे पेट नहीं भरेगी। सर टंकी जैसे पेट के लिए 50 रुपीज इज रियली अनफेयर। रिया मैं भी देती तो क्या लाती है, खुद तो 500 रुपए की खाती है। रिया ये तुमने सही नहीं बोला, किसी को बॉडी शेम करना सही नहीं है। सॉरी। वाओ ये टीचर कितना स्वीट है। सॉरी जिया। अच्छा चलो अपने घर जाओ, हमारी स्कूल बस तुम्हें अपने घर से पिक करने आ जाएगा। यस कार मिली। एक सेकेंड, सुबह मम्मी ने मुझे जबरदस्ती स्कूल में भेजा ना, मैं क्यों अपनी चीज छोड़ के दूसरों के लिए लूं? बेटर ऑप्शन। हे गाइस क्या तुम लोगों ने नोटिस किया, आई हैव एन आईफोन 15। वाओ ये तो न्यू है कलेक्शन में। हे मुझे भी दिखा ना रिया। यो प्लीज डोंट टच माय फोन, अपने इन गंदे हाथों से तो छूना भी मत, तुम अपने नोकिया फोन लेके खुश रहो। आईफोन 16 यही इसके मुंह बंद करने के लिए परफेक्ट है। नहीं अगर इससे बड़ा कुछ मिला तो? बेस्टी मिस्टर रोमैक्स से तुझे बुला रहे हैं। क्यों? गाइस तुम लोगों को पता है मेरी एक फ्रेंड है जो अमेरिका में रहता है, वो मिडनाइट से पहले चॉइस नहीं बना पाया तो उसकी एक किडनी मिसिंग है। आई थिंक यही होता है, गवर्नमेंट यही करने वाले है, हम सबके एक एक ऑर्गन ले लेंगे। हाँ पागल हो गया, जानबूझ के मुझसे बुलाने वाली लड़की मैं नहीं हूँ, फिर मम्मी डैडी मुझे टाइम भी नहीं देंगे। अरे जिया तू क्यों खड़ी है, जा। ओ हाँ जिया कम कम।
क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हें ये ड्रेस देना चाहता था, यही पिकनिक में पहन के आना। ओके और ये लो टेडी बियर। जाओ जाओ। ओहो सर, तुझे ड्रेस दे रहे हैं जी, लगता है वो तुझे लाइक करते हैं। व्हाट रबिश। और नहीं तो क्या, देख उन्होंने हमें तो नहीं दिया। हाँ शुगर डैडी, वो क्या होता है? व्हाट, तुझे नहीं पता? अरे रिया की मम्मी भी तो शुगर डैडी से शादी की, वो सिर्फ 18 साल की है, पर फिर भी उन्होंने 40 साल की एक आदमी के साथ किया। तू भी यही चूज कर, फिर वो तू जो चाहेगी वो खरीद देंगे तुझे। यू मीन शुगर डैडी मींस अ रिच बट ओल्ड मैन? या नो, नेवर, मैं यंग जन को पसंद करती हूँ। बाय मम्मी, मैं पिकनिक जा रही हूँ, बस आ गई। वेट डियर, ये ड्रेस किसने दिया तुम्हें? जी मैम, मैंने दिया, आपकी बेटी बहुत प्रीटी है। चलिए सर, हाथ पकड़ो, डोंट वरी, आपकी बेटी को मैं एक पल भी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। थैंक्स सर, बाय। वाओ कितनी क्यूट सी पॉन्ड है ना योंजन। या अमजिया, ये लो एक गिफ्ट। दैट मींस यस, मैंने तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड बना लिया है, और पता है मैंने यही चॉइस बनाया है। आई लव यू योंजन। लव यू टू। इट्स लास्ट टाइम। चलो जिया दिखाओ तुमने 50 रुपीस में क्या लिया है। मैं तो कम ही। मेरी स्नैक्स, वो तो मैं घर पे ही भूल गई। नो प्रॉब्लम, तुम्हारे में शर्म। ये लो, कितना खाओगे? बस अब तो बहुत स्वीट हो, चलो यंजन। सिर्फ तुम खाओगे, यू नो व्हाट, चलो मेरे साथ खाओगे। कितनी ठंडी है। ये लो मेरा जैकेट पहनो और जल्दी सो जाना। थैंक यू सर। एक घंटे ये पर एक भी ढंग का मशन नहीं मिला, कारी चूज करती तो अच्छा होता। जिया तुम वो पहली खूबसूरत लड़की हो जिसने एक पल में ही मेरा दिल जीत लिया। मैं सिर्फ तुम्हें ही अपना वाइफ बनाऊंगा, आई स्वेयर। कौन सर? आई लव यू जिया, लेट मी किस यू। व्हाट?